देख रहे हैं अंबर टाइम। दीपावली पर्व के पहले अपने रूप और सौंदर्य को निखारने के लिए रूप चौदस पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर उपटन लगाकर स्नान करने का भी महत्व है। शनिवार को रूप चौदस पर्व को लेकर शहर के ब्यूटी पार्लर और बड़े हेयर कटिंग सैलून पर भीड़ रही। लेडीज ब्यूटी पार्लर और जेंट्स पार्लर पर पहले से भी बुकिंग करवा दी गई थी, जहां सुबह से लोग पहुंचे और अपने सौंदर्य को निखारा संवारा गया। पार्लरों में सुबह से दोपहर तक लोग अपने नंबरों का इंतजार करते बैठे रहे। आलोट विधानसभा क्षेत्र के गांव कलसिया में रबी की फसल के दौरान विद्युत ट्रांसफार्मर खराब हो गए। इसके कारण विद्युत कंपनी किसानों को समय पर ट्रांसफार्मर नहीं दे पा रहा है। इसके चलते किसान खुद विद्युत ट्रांसफार्मर खरीद रहे हैं। प्रशासन को किसी ने शिकायत की तो ग्राम कलसिया में तहसीलदार सोनम भगत और पुलिस दल ने सरपंच के घर के बाहर से पिकअप वाहन में रखे 5 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा स्कूल भवन के पास रखे 7 ट्रांसफार्मर को जब्त कर लिया। जब्त हुए ट्रांसफार्मर को लेकर जब यह बात सामने आई कि आलोट के निर्दलीय उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू की भूमिका हो सकती है, तब प्रशासन का चुनावी दल भी सक्रिय हुआ और डीपी भरे ट्रक को थाने ले जाया गया। इससे आलोट की राजनीति गर्म हो गई और निर्दलीय प्रत्याशी भी थाने पहुंच गए। जब्त ट्रांसफार्मर के बिल और परमिट प्रशासन को नहीं मिले, लेकिन कुछ किसान बिल देना बताते हैं। तहसीलदार सोनम भगत ने बताया, देखिए हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कलसिया तहसील आलोट अंतर्गत ग्राम में डीपी रखी गई है। उपरोक्त संबंध में हम मौके पर विद्युत विभाग के कर्मचारी थाना आलोट से सभी टीआई साहब और उनका पूरा अमला, राजस्व का हमारा अमला और एफएसटी टीम जो बनी हुई है विधानसभा की, हम सभी उपस्थित रहे मौके पर। ये आपका देख रहे हैं रून कलसिया करके स्कूल है, यहाँ पर 60 डीपी थी। उपरोक्त संबंध में मैंने पूछताछ की पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई पुख्ता बात नहीं की गई, कोई जानकारी नहीं दी गई। हाँ, 5 डीपी सरपंच साहब के घर के सामने थी। उपरोक्त संबंध में उसके जो ड्राइवर है, जो लोडिंग वाहन है, उसके पास रसीद पाई गई है, लेकिन जो संबंधित क्रेता कंपनी है उसका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है जो कि हमें जानकारी दे सके विधिवत रूप से। ग्रामवासियों से हमने चर्चा की तो उनके पास भी डीपी लगाने के संबंध में कोई आदेश पत्र या इस तरह का कोई विद्युत विभाग का आदेश संबंधित दस्तावेज नहीं प्राप्त हुआ है, तो अभी हम इसको सीज करके थाने में जमा करा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर की पत्नी के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात हो गई। त्योहारों की भीड़ का बदमाश इस तरह से फायदा उठा रहे हैं। खबर के मुताबिक बापू नगर निवासी निर्मला डामोर अपने बेटे और ननंद के साथ स्कूटी से घर की तरफ लौट रही थी। शुक्रवार रात दो लड़के स्कूटी के पीछे लग गए और बीरियाखेड़ी स्थित वृद्धाश्रम के सामने सुनसान और अंधेरे का फायदा उठाकर मंगलसूत्र और नेकलेस पर हाथ साफ कर लिए। औद्योगिक थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया, देखिए कल रात को ये 10 से 11 बजे के बीच की घटना है। निर्मला डामोर है, बापू नगर के रहने वाले। वो कल आरोग्यम मेडिकल तरफ गई थी और वहाँ से लौट रही थी, तो वृद्धा आश्रम बीरियाखेड़ी में उनके स्कूटी के पीछे से दो लड़के आए और उनके गले में से उनका मंगलसूत्र छीन कर ले गए। उनकी रिपोर्ट पर यहाँ लूट की कायमी की गई है और आरोपियों को पकड़ने का पूरा प्रयास किया गया। खाद वितरण में चल रही मनमानी की शिकायतों को लेकर कलेक्टर भास्कर लक्षकार अचानक राउटी पहुंचे। कलेक्टर ने राउटी वितरण केंद्र का अवलोकन कर जानकारी ली। वितरण केंद्र पर ही परमिट सहित अन्य दस्तावेज मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से सवाल पूछे। उन्होंने खाद वितरण में आने वाली शिकायतों को लेकर सख्ती से कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहना। अचानक हुए कलेक्टर के दौरे को लेकर उप संचालक कृषि नीलम चौधरी ने बताया, आया क्या मैं उप संचालक कृषि हूँ और हम राउटी सोसाइटी में खाद की क्या स्थिति है, कितना अवेलेबल है, किस प्रकार वितरण किया जा रहा है, इसका निरीक्षण करने हम लोग आए। क्या नाम है मैडम? नीलम सिंह चौहान, उप संचालक कृषि। श्री गुर्जर समाज युवा इकाई द्वारा दीपावली पूजा के लिए विशेष महापंडितों द्वारा अभिमंत्रित स्टील के दीपकों का वितरण किया गया। धवाई जी का वास स्थित श्री देव नारायण जी मंदिर के समीप श्री गुर्जर समाज युवा इकाई द्वारा दीपावली पर्व पर महिलाओं के लिए पूजन में सर्व सिद्धि प्राप्त करने हेतु
एवं दीपावली पूजा पर मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से यज्ञ के मंत्रोपचार से अभिमंत्रित किए हुए एवं पंडित श्याम कुमार पंडित, आशीष कुमार पंडित, गोपाल कुमार पंडित, स्वास्तिक कुमार के विशेष पूजा मंत्र से सिद्ध हमेशा उपयोग में आने वाले स्टील के दीपकों का वितरण किया गया। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।